कॉमनवेल्थ गेम 2022 की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत ने भी अपनी मेडल की शुरुआत कर ली है और भारतीय टीम टॉप 10 मेडल विनर्स देशों की सूची में भी शामिल हो गया है। बहरहाल बात करें अगर भारत की, तो भारत ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 4 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। भारत की बात करें तो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जिताया, तो वहीं संकेत महादेव और साथ ही बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर और गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की झोली में एक ही दिन में वेटलिफ्टिंग में 4 मेडल डाले। आपको बता दें कि इन सभी के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में दावा किया गया कि भारत की स्टार धाविका स्टार रनर हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीती है और लगातार लोग इस पर बधाई देने लगे। लोग हिमा दास को उनके परफॉर्मेंस को लेकर, साथ ही हिमा दास के इस कमाल के दर्शन को लेकर उन्हें बधाई देने के साथ साथ भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल का भी पोस्ट करने लगे। बहरहाल आपको बता दें कि हिमा दास का ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगा। वायरल वीडियो हिमा दास का नजर आया, जिसमें हिमा दास गोल्ड मेडल अपने नाम करती हुई नजर आई। इस बीच आपको बता दें कि वायरल वीडियो का शिकार वीरेंद्र सहवाग भी हो गए। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी इस वायरल वीडियो का शिकार हुए और उन्होंने भी वायरल वीडियो पर हिमा दास को बधाई दे दी। बहरहाल बात करें अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो इस वक्त बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा रहे हैं और बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड गेम्स की शुरुआत से 3 दिन पहले ही हिमा दास का ये वीडियो वायरल होने लगा, जिसे सैकड़ों में लाइक और साथ ही रीट्वीट मिलने लगे। आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग भी इस वायरल वीडियो का शिकार हुए और उन्होंने भी हिमा दास को मेडल जीतने पर बधाई दे दी। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए हिमा दास के बारे में लिखा कि क्या शानदार जीत है, भारतीय खिलाड़ियों का शानदार आगाज, कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर हिमा दास को बधाई, हमें आप पर फक्र है। आपको बता दें कि इसके बाद लोगों ने वीरेंद्र सहवाग को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने लिखा कि वीरेंद्र सहवाग ने हिमा दास को गलत जगह विश कर दिया है, क्योंकि अभी हिमा दास ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी शुरुआत की ही नहीं है। साथ ही लोगों ने लिखा कि वीरेंद्र सहवाग शायद नींद में ट्वीट करते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं है कि हिमा दास ने मेडल जीता है या नहीं, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। इसके अलावा लोग वीरेंद्र सहवाग को लगातार तरह तरह के कमेंट्स के द्वारा ट्रोल करने लगे। अब पूरी बात की अगर आपको जानकारी दें, साथ ही वीडियो की सच्चाई पर नजर डालें, तो वायरल वीडियो में ये दावा किया गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स के 400 मीटर स्पर्धा में हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन यह वीडियो फेक है। आपको बता दें कि यह वीडियो पिगासस नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें दावा किया गया कि हिमा दास ने बर्मिंगम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। लेकिन वीडियो की सच्चाई पर नजर डालें तो यह वीडियो साल 2018 का है, जहां हिमा दास ने फिनलैंड के टेम्पेयर में हुई अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन शिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और भारत के लिए इतिहास रचा था। तब हिमा दास ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। आपको बता दें कि अब उसी क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि हिमा दास ने बर्मिंगम में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बहरहाल अगर बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स पर नजर डालें, तो यह मुकाबले 2 अगस्त से शुरू होंगे। हिमा दास 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी, जो कि 4 अगस्त को खेला जाएगा। दौड़ में फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले 5 और 6 अगस्त को खेले जाएंगे। बहरहाल हिमा दास को लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह पूरी तरीके से फेक है। यह वीडियो साल 2018 का है, जिसे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का बताया जा रहा है। इस वीडियो का शिकार वीरेंद्र सहवाग भी हो गए, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।